This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. This is my channel, Rahifwala, and welcome to my channel once again. And I have brought to you another episode of Rahifwala. I hope you must be enjoying my videos time to time the way I have given you uh, different kind of uh, news regarding PST and J E S T once again I have brought to you another one. Aj Akbar Lagari sahab na, so hai, wo एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अच्छा भाई उन्होंने सोशल मीडिया को बहुत सराहा और तारीफ की इस दौरान अकबर लगारी साहब ने ई डी ओ खास के बारे में सख्त रिमार्क्स जो है वो पेश किए और उनका तसुर जो था वो बहुत ही ज़्यादा सख्त था उनके खिलाफ जो कि उनके चेहरे से भी आया हो रहा था और जिस तरह वो सख्ती से बोल रहे थे तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें ब्लैक शीप्स की कमी नहीं है लिहाजा उन्होंने बहुत से कैंडिडेट्स के बारे में कहा कि इतनी मेहनत के साथ इन कैंडिडेट्स ने जो है वो टेस्ट को क्लियर किया पास किया ये आसान नहीं होता और ऐसे कैंडिडेट्स के साथ ज़्यादती हम नहीं होने देंगे और इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे मज़ीद और उन्होंने कहा कि कुछ काली भेड़ें रिश्वत के लेन- दें में इन्वॉल्व होती हैं और जिसका ख़ुमियाज़ा जो है वो मासूम कैंडिडेट्स को जो है वो भुगतना पड़ता है तो लिहाजा ऐसे ही होता है बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने जिनके खिलाफ सख्त जो है वो एक्शन लिया जाना चाहिए और मैं उनके खिलाफ एक्शन लेने जा रहा हूँ तमाम कैंडिडेट्स को मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरह से भी ऑफर ऑर्डर जो है वो दिया जाए और जो भी कैंडिडेट्स जो है वो काबिलियत की बुनियाद पर जो है और मेरिट की बुनियाद पर आगे आ रहे हैं उनको इन है वो जॉब्स ऑफर लेटर्स दिए जाएंगे और उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी उनके साथ पूरा जस्टिस होगा हर तरह से जो है वो मैं खड़ा हूँ किसी तरह से भी मैं जो है वो ऐसे लोगों को ऐसे करप्ट माफिया को आगे नहीं आने दूंगा तो बड़ी पॉजिटिव बातें उन्होंने कही लेट्स सी वाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट मजीद उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ मीरपुर खास से बल्कि मीरपु खास के अलावा दादू झुडो डिग्री यहाँ से भी लोग मेरे पास आए शिकायत लेकर जो कि मीरपुर खास का वाक़ तो काफ़ी अर्सा काफ़ी दिन हो चुके हैं लेकिन अब जुड्डो और डिगरी और दादू से भी जो है वो उनके पास लोग आए हैं आ, इसी तरह की शिकायत लेकर के लोग जो है वो आ, रिश्वत के एवल जॉब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं तो ये सब चीज़ें जो हैं उन्होंने क्लियर आज मीपू खास प्रेस क्लब में कहीं तो इससे देखें ये एक पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है हमें कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो इन बातों को रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये करप्शन जो है वो यकीनन हर जगह मौजूद है करप्शन तो लेकिन वो इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं ये रेलाइज़ करना भी बहुत बड़ी बात है कि वो इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं क्योंकि लाजमियत बिपू खास का जो वाक्य है उसमें सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई तो लिहाजा उन्होंने इन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट किया तो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताली आसानी फरमाए और मेरी अब तमाम कैंडिडेट से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो है वो फिकर मत करें इन अल्लाह ताली बहुत ज़्यादा बेहतर करने वाले हैं और नेक्स्ट टाइम में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ अल्लाह ने बाद